हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकंड का चैप्टर वन, फर्स्ट डे एट स्कूल। आई वंडर इफ माय ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। इसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा होता है, उसका पहला दिन होता है, तो वो सोचता है। वंडर का मतलब होता है सोचना। वो ये सोचता है कि क्या मेरी जो ड्राइंग है वो अच्छी होगी उतनी ही जितनी दूसरे बच्चों की होगी। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। फिर वो सोचता है कि बाकी बच्चे जो होंगे क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर वो मुझे घूरते रहेंगे। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। बच्चा सोचता है कि जो मेरी टीचर होगी वो मेरी मम्मी जैसी लगेगी या फिर मेरी दादी जैसी लगेगी। मॉम का मतलब होता है मम्मी, ग्रैंड का मतलब होता है दादी माँ। आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। बच्चा सोचता है कि क्या मेरा जो पपी है वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। और पपी का मतलब होता है जो डॉग का बच्चा होता है उसको हम पपी कहते हैं। तो पूरी पोएम की एक बार फिर से समरी देखते हैं। एक बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा होता है, उसका पहला दिन होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है। वो सोचता है कि क्या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी होगी जितनी बाकी बच्चों की है। फिर वो सोचता है कि बाकी बच्चे क्या मुझे पसंद करेंगे या फिर वो सिर्फ मुझे घूरते ही रहेंगे। फिर वो सोचता है कि जो टीचर होगी हमारी वो मेरी मम्मी जैसी लगेगी या फिर मेरी दादी माँ जैसी लगेगी। फिर वो सोचता है कि मेरा जो पपी है घर पे क्या वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। अब देखिए, हमने इसमें कौन कौन से नए वर्ड सीखे हैं। हमने सीखा है वंडर। वंडर का मतलब होता है सोचना। ड्राइंग का मतलब, तो जो हम ड्राइंग चित्र बनाते हैं हम अपनी ड्राइंग बुक में, वो होती है ड्राइंग। स्टेयर का मतलब घूरना। ग्राइंड का मतलब दादी माँ। पपी का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। और ये वंडर को यूज़ करके हम देखिए सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू। मैं सोचता हूँ कि क्या जो वो होता है हमारा सी होता है वो नीले रंग का होता है। सी का मतलब होता है सागर। अब हम देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे, द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग दैट वेदर हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज अदर्स और नॉट। इसका मतलब है, ये बच्चा सोचता है, क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो चाइल्ड है वो सोचता है पोयम में कि क्या उसकी ड्राइंग, मतलब उसकी ड्राइंग कैसी होगी। तो इसका आंसर होगा कि बच्चा ये सोचता है कि उसकी ड्राइंग बाकी बच्चों से अच्छी होगी या उनकी जैसी होगी या नहीं होगी, वो ये सब सोचता है। व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। सो द आंसर इज, द चाइल्ड वंडर्स वेदर हिज टीचर विल लुक लाइक हिज मदर और ग्रैंड मदर। डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। आपको क्या लगता है, वो अपने पपी के बारे में सोच रहा था कि वो ले जाएगा तो उसको कैसा लगेगा या फिर नहीं ले जाएगा। तो हम इसका आंसर दोनों वे में दे सकते हैं। अगर हम कहें कि हाँ वो ले जाना चाहता था, तो हम ऐसे कहेंगे, येस द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल बिकॉज ही लव्स हिम वेरी मच। और नहीं तो नो। वैसे तो इसका आंसर येस ही देना चाहिए, क्योंकि वो अपने पपी के बारे में सोच रहा था, मतलब उससे प्यार करता होगा और चाहता होगा ले जाना। तो इसका आंसर इसी तरह से येस में देंगे। फिर हम लोगों को जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या आपको अपना पहला दिन जो था स्कूल में वो याद है? तो आपको कैसा लगा था? पहला फेज है एंग्री। एंग्री मतलब होता है गुस्से वाला फेज,
शाय, शाय का मतलब होता है शर्माना, हैप्पी का मतलब होता है खुश, सैड का मतलब होता है दुखी। तो आपको कैसा लगा था अपने स्कूल के फर्स्ट डे, आप इसमें टिक कर सकते हैं जो भी आपको लगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक, फिर जब आप अपनी क्लास में पहली बार गए थे तो आपको क्या पसंद आया था। तो आप इसमें जो भी आपको पसंद आया हो वो लिख सकते हैं, आपको टीचर पसंद आए हो, अपने बच्चे पसंद आए हो, क्लास की बेंचेस पसंद आए हो या बोर्ड पसंद आया हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास आई लाइक्ड द ब्लैक बोर्ड मोस्ट, ऐसे करके लिख सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड, जो आपके फर्स्ट फ्रेंड होंगे उनके आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर वॉट डिड यू एन्जॉय डूइंग द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है, तो आप आंसर दे सकते हैं, जैसे कि आई एन्जॉय पेइंग द मोस्ट। डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है जो आपका इंतज़ार करता है कि आप कब स्कूल से वापस आएंगे, अगर हाँ तो फिर दीजिए येस आई हैव अ पेट एट माई होम हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। फिर नेक्स्ट, ये तो एक्टिंग करने वाली चीज़ है, ये आगे कुछ, फिर एक नेक्स्ट इसमें पोएम है, ये आप पढ़ सकते हैं। और फिर हम लोगों को ये हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस जो है इसमें बताया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर, मतलब ये जो पिक्चर है हिप्पोपोटामस की है, इसमें से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है पॉट, तो हम POT पॉट बना सकते हैं, POP पॉप बना सकते हैं, और हम इसमें बना सकते हैं US अस, HI हाई बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं इसमें TOP टॉप बना सकते हैं, इस तरीके से हम इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट में बताया गया है कि हम क्या क्या चीज़ें अपने स्कूल बैग में ले जा सकते हैं, तो क्या क्या ले जा सकते हैं, स्केल, रूलर का मतलब होता है स्केल, ले जा सकते हैं शार्पनर, पेन, इरेजर, और हमारा टिफिन, हमारी पेंसिल, बुक्स भी ले जा सकते हैं। तो जो जो हम चीज़ें ले जा सकते हैं वो हम इसमें फिल कर देंगे। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पे एक चीज़ और है, ये फिगर में एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, अपना नाश्ता कर रहा है, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, तो इसमें क्या आएगा, ईटिंग ब्रेकफास्ट। फिर बाइसिकल चला रहा है, तो बाइसिकल क्या करते हैं, हम राइड करते हैं, इसका आंसर होगा राइडिंग बाइसिकल। ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो इसमें आएगा गोइंग टू स्कूल। फिर नेक्स्ट है, ये दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या आएगा, और खाना आपस में बांट रहे हैं, तो इसमें शेयरिंग विद फ्रेंड्स। फिर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन में स्टडिंग इन क्लास। अब जो फाइनल है हमारा क्या बचा है, फिर वापस रिटर्निंग, वापस आ रहा है ना स्कूल से, दूर जा रहा है, तो फिर इसमें आएगा रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, इसको आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं।